बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हमारा सबक नंबर 23 पहाड़ और गुलहरी जारी है और आपकी मिस सैयदा आबिदा आपको हमेशा की तरह अपनी क्लास में खुशामदीद कहती हैं। जी प्यारे बच्चों, आज हम क्या करेंगे सबक नंबर 23 में, आइए देखते हैं। जी बच्चों, आज हम करेंगे सबक नंबर 23 पहाड़ और गुलहरी के मश्की सवालात, जिनमें शामिल है सवाल नंबर 1, अल्फाज के मानी लिखें। जी बच्चों, कुछ अल्फाज दिए गए हैं मश्की सवालात में, हम उनके मानी सीखेंगे और आप भी नए अल्फाज के मानी यानी मतलब सीखेंगे। सवाल नंबर 2 हमारा है लफ्ज़ बनाएं। जी प्यारे बच्चों, कुछ अरकान दिए जाएंगे, कुछ हरूफ दिए जाएंगे जिनको जोड़कर आप एक नया लफ्ज़ बनाएंगे। सवाल नंबर 3, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। जी बच्चों, कुछ अल्फाज दिए जाएंगे जिनके आप मुतज़ाद अल्फाज लिखें, यानी उलट जो लफ्ज़ हैं वो आप लिखेंगे। और सवाल नंबर 4 हमारा आखिरी सवाल होगा, सवालात के जवाबात देखिए। जी प्यारे बच्चों, सबक आप पढ़ चुके हुए हैं और अब आप क्या करेंगे, इन सब सवालात को हम मिलके करेंगे। आइए अपने सवालात की जानिब बढ़ते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 है, नीचे दिए हुए अल्फाज को पढ़ें और उनके मानी लिखें। जी बच्चों, ये वो अल्फाज हैं जो हम पहले से इस नज़म में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इनके मानी लिखेंगे। हुरूर, जी हुरूर का क्या मतलब है? हुरूर कहते हैं फ़खर या तकब्बुर को, ठीक है ना, फ़खर या तकब्बुर हुरूर कहलाता है। बिसात, जी नंबर 2 है बिसात। कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे, तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे। जी बिल्कुल सही, तेरी बिसात, तेरी हैसियत, तुम्हारी औकात मेरी शान के आगे क्या है। जी बच्चों, बिसात यानी हैसियत। हुनर, हुनर कहते हैं बच्चों फन या किसी काम को हुनर कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये थे हमारे अल्फाज के मानी, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे और इनको अपनी किताबों पर खुश खत लिखेंगे और याद भी करेंगे। सवाल नंबर 2 है लफ्ज़ बनाएं। आपको कुछ अरकान दिए गए हैं, हरूफ दिए गए हैं, हम उनको जोड़ेंगे तो देखेंगे कौन से अल्फाज बनते हैं। जी बच्चों, सबसे पहले है गाफ, लाम, हे, रे और छोटी ये। जी बच्चों, हमने जब इन अल्फाज इन हरूफ को मिलाया तो क्या बना? गुलहरी। बिल्कुल दुरुस्त, गुलहरी। हमने देखा था ना इस नज़म में पहाड़ और गुलहरी जो थे उनकी बातचीत थी। आगे क्या है? आगे है गैन, रे, वाव, रे। बिल्कुल दुरुस्त, हुरूर। गैन, रे और वाव रे को जब हमने मिलाया तो क्या बना? हुरूर। अगले हरूफ हैं ते, मीम, ये यानी छोटी ये और जे। बिल्कुल सही बच्चों, हमने इन सबको एक साथ मिलाया तो बन गया तमीज, तमीज। नंबर 3 है सीन, नून, बे के साथ है दो चश्मी है यानी भ, अलिफ और लाम। जब हमने इनको मिलाया तो क्या बना? संभाल, संभाल। आखिरी हरूफ कौन से हैं? छे, अलिफ, लाम, छोटी ये और गोल हे। जी बिल्कुल सही, छालिया। आपको याद आया कि गुलहरी ने क्या कहा था? जी बिल्कुल सही, गुलहरी ने कहा था ना कि अगर तुम में इतनी ताकत है तो जरा ये छालिया तो तोड़ के दिखाओ, तो ये वही छालिया है बच्चों। आइए बच्चों, सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 है अल्फाज के मुतज़ाद लिखें।
बहुत आसान अल्फाज दिए गए हैं और इनके मुतजाद आपको पहले से ही पता होंगे। आइए हम लिखते हैं छोटा। सबसे पहले लिखा है छोटा, बिल्कुल सही, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, डूब, जैसे कि एक बच्चा डूब रहा है और एक बच्चा तैर रहा है, बिल्कुल सही, डूब और तैर। अकल, जी अकल की बात करो, नासमझी की बात नहीं करो, बिल्कुल सही, अकल नासमझ। ताकत, मेरे में बहुत ताकत है, मैं ये पत्थर आसानी से तोड़ सकता हूँ, और मेरे में कमजोरी है, यानी ताकत, ताकत का उलट क्या होगा, ताकत का मुतजाद होगा कमजोरी, ताकत कमजोरी। जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। सवाल नंबर 4, सवालात के जवाबात लिखें। जी बच्चों, पहला सवाल है पहाड़ किस जानवर से बात कर रहा था। बच्चों आपको जैसा कि पता है ये नज़म पहाड़ और गिलहरी के बारे में थी, तो पहाड़ किससे बात कर रहा था, बिल्कुल दुरुस्त, पहाड़ एक गिलहरी से बात कर रहा था। तो हमारा जवाब क्या हुआ, पहाड़ गिलहरी से बात कर रहा था। सवाल नंबर 2 है पहाड़ को अपने ऊपर क्यों गुरूर था, यानी पहाड़ को अपने ऊपर गुरूर क्यों था। जी बच्चों याद आया, पहाड़ को अपने बड़े और ताकतवर होने पर गुरूर था। बच्चों गुरूर करना अच्छी बात है, नहीं बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है गुरूर करना। जो भी चीज़ें अता की गई हैं वो हमें अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई हैं, तो हमें इस पर गुरूर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। आइए सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। जी सवाल नंबर 3, गुलहरी ने पहाड़ को क्या तोड़ने के लिए कहा था। जी बच्चों, जब पहाड़ ने गुलहरी का मजाक उड़ाया कि वो इतनी छोटी सी और मैं इतना बड़ा हूँ, तो गुलहरी ने क्या कहा था। गुलहरी ने कहा था जरा मुझे ये छालिया तो तोड़ के दिखाओ। जी बच्चों, तो गुलहरी ने पहाड़ को छालिया तोड़ने के लिए कहा था। सवाल नंबर 4 है, हमें इस नज़म से क्या सबक मिलता है। जी बच्चों, इस नज़म से हमें बहुत ढेर सारे सबक मिलते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ नकम्मी नहीं बनाई है, इस दुनिया में हर चीज़ जो है उसका कोई ना कोई फ़ायदा है, ठीक है ना। उस किसी भी चीज़ का कोई अल्लाह ताला ने जो है ऐसे पैदा नहीं किया, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा रखा है, हर चीज़ की कोई ना कोई हैसियत, कोई ना कोई अहमियत है, और हमें किसी भी चीज़ का गुरूर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, तकब्बुर नहीं होना चाहिए, हमने ये भी सीखा। तो आइए हम जवाब लिखते हैं। जी हमें इस नज़म से ये सबक मिलता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो बेकार नहीं है, ठीक है ना बच्चों, कि दुनिया में कोई चीज़ भी बेकार नहीं, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ की अपनी खसूसियत और अहमियत होती है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, हर चीज़ के अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खसूसियत और अहमियत रखी है। जी तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सारे मश्की सवालात को बहुत बखूबी समझ गए होंगे, और अब आप इनको खुशखत अपनी किताबों पर लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।